सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की चुनावी मौसम में सपा ने 2 मिनट 18 सेकंड का गीत जारी किया है। इसका हर शब्द तंज से भरा है, निशाने पर योगी सरकार है, हमला बेहद तीखा है। बताने की कोशिश है कि कोरोना के कोहराम के दौरान सरकार ने जनता को अकेला छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने इस गीत के जरिए दावा किया है कि अगर हर मुश्किल में साथ निभाने वाली कोई पार्टी है तो सिर्फ वही है, यानी अखिलेश यादव की अगुवाई वाली पार्टी खुद को जनता की उम्मीद बता रही है। यह गीत 2022 के चुनाव के लिए सपा का शंखनाद है, युद्धनाद भी यह गीत लगता है। सुन, यूपी की चुनावी रणभूमि में सपा की सुरों वाली हुंकार। चाहे कैसी भी मुश्किल हो, मिलजुल कर उसे मिटाएंगे। 2 मिनट 18 सेकंड का हल्ला बोल, निशाने पर योगी सरकार। कहते हैं कि मुश्किल वक्तों में साथी की परीक्षा होती है, कौन अपना कौन पराया है इसकी भी समीक्षा होती है। जनता को कोरोना के मुश्किल दिनों का वास्ता। सबका दर्द मिटाने का सबसे बड़ा दावा। जो अवसरवादी है सारे वो दुख में दुख पहुंचाएंगे, पर हमने कसम उठाई है कि सबका दर्द मिटाएंगे। जमकर भुनाया रंज हर शब्द में तंज। जो सांस है अपने सीने में, माना के अभी वो भारी है। आर पार की जंग में सपा का नया नारा। जैसे पहले हम साथ रहे, इस बार भी साथ निभाएंगे। जनता की उम्मीदों को फर्ज बताकर मैदान में उतरे अखिलेश। सुख दुख में साथ निभाएंगे। दो हजार बाईस के लिए सपा का युद्ध नाद। बात तो चुभेगी। चुनाव कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन नारे हमेशा चर्चा में रहते हैं, या यूं कहें कि नारे सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। समाजवादी पार्टी नारे गढ़ने में हमेशा आगे रही है। आपको याद होगा पिछली बार यानी 2017 में सपा ने स्लोगन दिया था, काम बोलता है। फिर जब कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया तो पार्टी का नया नारा आ गया, ये था यूपी को ये साथ पसंद है। लेकिन जनता ने इस साथ को पसंद नहीं किया और ना ही चुनाव में काम बोलता का असर दिखा। ये बात भले ही समाजवादी पार्टी को चुभी होगी, लेकिन जनता के मन में क्या है ये सिर्फ वही जानती है। रही बात नारों की, तो वो हमेशा माहौल गर्माते रहे। चाहे कैसी भी मुश्किल हो, मिलजुल कर उसे मिटाएंगे। सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। सपा की साइकिल चुनावी सड़क पर रफ्तार पकड़ने की कोशिश में है। पार्टी का दावा है कि विरोधियों से कोसों आगे रहेंगे। माहौल गर्माने के लिए एक के बाद एक नए नारे गढ़े जा रहे हैं। सपा का आरोप है कि कोरोना के कोहराम के दौरान
सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, इसीलिए इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएंगे, इसे गांव-गांव हर बूथ तक ले जाएंगे, सरकार से हिसाब मांगेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, कोरोना में जो श्रमिक मरे थे या पिछले लॉकडाउन में जो श्रमिक मरे थे, एक भी घर बीजेपी वाला कोई गया? माननीय अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपए लेके और समाजवादी पार्टी के नेताओं को उनके घर भेजा। आप बताइए कितने श्रमिक मर गए, कितनी महिलाएं मर गई, कितने बच्चे मर गए? ये तो इनके यहाँ तो गोरखपुर में ये किसके होंगे? गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे मर गए थे। नया गीत जारी कर सपा ने नया नारा दिया, आपकी उम्मीदें फर्ज है मेरा। तो पार्टी के मुखपत्र समाजवादी बुलेटिन के कवर पेज पर लिखा, सबके साथ ही समाजवादी। सबको मुफ्त वैक्सीन लगाने के भाजपा सरकार के दावे को गलत साबित करने के लिए पार्टी सबको वैक्सीन को दूध की कौड़ी बता रही है। पार्टी का मुखपत्र लिखता है कि सबको टीका, नीति न नियत, असर टीका। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर कोरोना प्रबंधन को लेकर ऐसा हमला तब शुरू किया है जब सरकारी स्तर पर लगातार मुफ्त वैक्सीन की योजना का जमकर प्रचार किया जा रहा है। इससे साफ है कि चुनावी संग्राम में ये मुद्दा सेंटर में रहने वाला है। उधर भाजपा सपा के नए आक्रमण को बेअसर बता रही है। पार्टी का पलटवार सुनिए। कोरोना के संकट के निवारण में अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो समाजवादी पार्टी है, अगर कोरोना में किसी ने सब कुछ किया है तो वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सरकार है और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं। उसमें कोरोना वॉरियर्स ने भी मदद की, एनजीओज ने मदद की। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने एक गीत जारी किया था जिसके बोल थे, अखिलेश आ रहे हैं। सपा और भाजपा की भिड़ंत के बीच एक और नारा चर्चा में है। नारा तृणमूल कांग्रेस का है जिसका इस्तेमाल उसने इस साल विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में किया। ममता दीदी ने कहा था खेला हो बे, अब इसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी के नेता और समर्थक यूपी में जगह जगह दीवारों पर लिख रहे हैं, 2022 में खेला हुई। कई जगहों पर पार्टी समर्थकों ने ऐसे पोस्टर भी लगवाए हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता प्रवक्ता जूही सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जूही जी आपका स्वागत है बीपी गंगा में। इससे पहले कि हम जूही सिंह जी से बात करें, मैं आपको बता दूं एक एक करके समाजवादी पार्टी के नारों का इतिहास आपको जल्दी से बता देते हैं कि क्या इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी के नारों का। जी हां, तो सबसे पहले हम बात करें 1989 की, सपा का नारा था जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। और ये नारा आज तक भी आपको सुनने को मिलता है, काफी सुपरहिट ये नारा रहा है। और नारों की बड़ी खास अहमियत होती है जब मोबिलाइज करना होता है कैडर को। 1993 की बात करें, सपा बसपा गठबंधन का नारा था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। ये नारा भी इस नारे ने भी खासी सुर्खियां उस वक्त बटोरी थी। 2014 की बात करें तो मन से है मुलायम, इरादे लोहा है। 2014 लोकसभा चुनाव का ये नारा था और इस पर एक गीत भी समाजवादी पार्टी ने बनाया था। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें, सपा का नारा था काम बोलता है। और 2017 विधानसभा चुनाव में सपा समर्थकों का यह भी नारा था कि ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम, और विकास का पहिया अखिलेश भैया। ये तमाम वो नारे थे जो कि उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में गूंजे थे 2017 में। नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, सिर्फ अखिलेश, सिर्फ अखिलेश। तो ये तमाम वो नारे थे। 2017 में चुनावी हार के बाद आपकी साइकिल चलेगी आपके नाम से, फिर प्रदेश का दिल जीतेंगे हम मिलकर अपने काम से, ये संदेश इस नारे के जरिए अखिलेश यादव की नई समाजवादी पार्टी ने एक नया संदेश देने की कोशिश भी की थी। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो विकास पूछ रहा है, इस नारे को बुलंद किया समाजवादी पार्टी ने और चुनावी मैदान में गई। 2019 लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बढ़ने पाए,
ये भी नारा दिया समाजवादी पार्टी ने। और फरवरी 2021 की बात करें कि इस साल किस तरह से चुनावी मोड में अब सपा आ रही है, तो नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवाओं का साथ, सबको साथ लेने की बात की जा रही है। और 15 जून 2021 की बात करें तो अखिलेश आ रहे हैं, इस नारे को समाजवादी पार्टी ने गीत के जरिए सामने लेकर आए। और 27 जून 2021 आपकी उम्मीदें फर्ज है हमारा, जिस गीत को भी हमने आपको सुनाया था, उसी गीत से में गढ़ा हुआ ये नारा है। अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा ने साफ संकेत दिए हैं कि 2022 के चुनाव में कोरोना मैनेजमेंट को लेकर भाजपा को घेरा जाएगा। नए नारे का मकसद है सरकार को नाकाम बताना और सपा को जनता के सुख दुख का साथी साबित करना। मुद्दे को चुनने के पीछे क्या रणनीति है, अब आपको इसे भी समझाते हैं। नए नारे के पीछे की रणनीति, कोरोना का गांव गांव तक असर, क्योंकि कोरोना काल में सबने देखा भावनात्मक रूप से ज्यादा असरदार मुद्दा है। स्वास्थ्य सेवा की कमियों को भुनाने की कोशिश होगी, कोरोना का खतरा कायम और मुद्दे का लंबा चलना, यानी इस मुद्दे का असर रहेगा। और सभी नागरिकों का टीकाकरण एक मुश्किल चुनौती है और बार बार समाजवादी पार्टी ये बात भी कहती आई है, छोटी कमी को भी भुनाने में समाजवादी पार्टी जुटी है। इसलिए नारा दिया है आपकी उम्मीदें फर्ज हमारा, यानी समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और पूरे जोर शोर से चुनावी रणनीति में डटी है समाजवादी पार्टी। जूही सिंह जी हमारे साथ बनी हुई है, तो जूही जी इस बार के जो संकेत है, जो तेवर है, वो दिखना शुरू हो गए हैं, तो ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी जो सरकार की कमियां हैं उन कमियों को उजागर करने के लिए आप लोग एक अग्रेसिव मोड में जाने वाले आने वाले दिनों में। जूही जी, रोहित जी, हमारा हर नारा हर चुनाव में आपने पूरी लिस्ट बताई, वो हमारे घोषणाओं का, हमारे आगे चल के कार्यप्रणाली का सार होता है। 2012 हमने लड़ा उम्मीद की साइकिल पर, जो कि जनता से बहुत सारे हमने वायदे किए थे, बहुत सारे हमने पूरे किए। 2017 हमने लड़ा काम बोलता है, क्योंकि काम करके हमने दिखाया जनता को, स्वीकार हुआ या न हुआ, लेकिन आज के दिन में भी काम बोलता है और उम्मीद की साइकिल, दोनों नारा कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों के मुंह से भी सुनाई देता है, तो जरूर जनता के मन में घर की कर गया था। आज उत्तर प्रदेश की जनता अकेला महसूस कर रही है, कोरोना काल में उसको छोड़ दिया गया, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की, एक बड़ी त्रासदी हमने देखी है। हम सब ने आपके पैनल पर इस पर बहुत डिस्कशन किया है, तो शायद समय आ गया है कि अब हम आकलन करें कि मुश्किल समय पे कौन किसके साथ खड़ा था, किसने अपने पूरे संसाधन और अपने कार्यकर्ताओं के साथ कोशिश की, और दुर्व्यवस्था थी तो ये केवल सरकार को घेरने की कोशिश नहीं है, इस पर प्रश्न हम उठाते रहे हैं और ये जनता का भी मुद्दा है। जो नया गाना है इसको आपने सुनाया, और मुझे लगता है कि जनता की सेवा और जनता के साथ खड़े रहना, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हर सुख दुख में खड़े रहना और काम करना, यही हमारा मुद्दा रहेगा। इस मुद्दे पर विभिन्न मुद्दे आएंगे, चाहे वो जवानों के हों, किसानों के हों, महिलाओं के हों, लेकिन सब इस नारे से जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जनता जरूर हमारी बात समझेगी। बहुत बड़ी प्रचारक पार्टी हम नहीं है, तो छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे शब्दों, छोटे छोटे नारों के तहत अपनी नहीं। जूही जी, मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखिए आपने कहा बहुत ज्यादा प्रचारक पार्टी नहीं है, ठीक है, लेकिन इस बार जो तेवर दिख रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, अब देखिए अब जून के आखिरी हफ्ते में हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह से जो अभी नया आपने गीत आज लॉन्च किया है, जिसको अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, तो कहीं ना कहीं उससे जिसे कहा जाए कि तेवर दिख रहे हैं, यानी इस बार समाजवादी अलग तेवर से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक ये आरोप लग रहे थे कि जो समाजवादी सड़कों पर दिखते हैं वो सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं, ये भी आरोप लगे बीच में। आप तो जानते हैं हमारा सबसे बेसिक नारा यही है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो समाजवादी पार्टी जब सड़कों पर उतर जाती है तो पूरे अग्रेसिव तरह से उतरती है, हमारे कार्यकर्ता अपनी बात को कहते हैं और गाने, मुझे लगता है 2019 में भी जो हमारा एक गाना था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया, वो हमें किसी किसान ने खुद गाकर बनाकर भेजा था, तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारे, ये तो हमारा एक मेन सॉन्ग है ये, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता भी गाना या अपना वीडियो बनाकर भेजते रहेंगे, और उसका हमें एक जनता से जुड़ाव लगता है, क्योंकि उनकी बात हम उन्हीं की भाषा में कहते हैं। जैसे आपने कहा कि पश्चिम बंगाल का नारा थोड़ा हमारे कार्यकर्ताओं ने बदल दिया, वो इसलिए क्योंकि हमारी भाषा है वो, जो लोगों को यहाँ समझ में आती है कि खेला हो, तो ये नारा गढ़ना समाजवादी पार्टी, और मुझे लगता है कि अच्छे नारे हम गढ़ते हैं और उस पर निभाते भी हैं, यही हमारी कोशिश रहती है। जी
बिल्कुल जूही जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। और अब बात मायावती की, जिनको सपा भाजपा की रणनीति चुभ रही है। लंबे अंतराल के बाद मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, उनके निशाने पर जितनी सपा थी उतनी भाजपा भी, साथ ही साथ मीडिया को भी नसीहत देने से मायावती नहीं चूकी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ना लड़ने का कारण भी बताया, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी भी दी, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश भी की और चुनाव के लिए नया नारा भी बुलंद किया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, मंचवर श्री कांसी राम जी अमर रहे, मंचवर श्री कांसी राम बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में। यूपी को बचाना है, बचाना है। नारा नया है, रणनीति नई है, सियासी चाल नई है, लेकिन लक्ष्य वही पुराना जो 2017 में बहुत पीछे छूट गया था। बीएसपी को सत्ता में लाना है, लाना है, वह जरूर लाना है। यही समय व प्रदेश की आम जनता की मांग भी है। लंबे वक्त के बाद बसपा सुप्रीमो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, हर बार की तरह प्रेस नोट पढ़ा और संदेश दिया कि बसपा सुस्त नहीं पड़ी, पूरी तरह सक्रिय है, रणनीति तैयार कर रही है। मायावती ने ये कहते हुए मीडिया को लेकर नाराजगी भी जताई। मैं फरवरी महीने के शुरू से ही यहाँ लखनऊ में मौजूद हूँ और यहाँ कोरोना नियमों का पालन करते हुए प्रदेश में पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने के लिए मेरी आए दिन पार्टी संगठन की छोटी बड़ी मीटिंगें बराबर चल रही हैं, जिन्हें मैं दूसरी पार्टियों की तरह दर्शाने के लिए रोजाना मीडिया आदि को नहीं बुलाती हूँ। इसलिए मीडिया को भी बीएसपी को कम नहीं आंकना चाहिए। बसपा प्रमुख ने जिला पंचायत चुनाव को लेकर भी बात की। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, इसलिए कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बसपा ने सहारनपुर को छोड़कर किसी भी जगह जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी नहीं उतारा। हालांकि सहारनपुर की बसपा प्रत्याशी ने नामांकन भी नहीं किया। मायावती का तर्क है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में खरीद फरोख्त होती है, उनके निशाने पर सपा भी थी और भाजपा भी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खासकर यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना तो अब पूरे तौर से यहाँ खरीद फरोख्त व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित होकर रह गया है। इस मामले में अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में। जो हमारे साथ इस वक्त सतीश प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सतीश जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। आज मायावती जी जब मीडिया से मुखातिब हुई या सामने वो आई, जब मीडिया से जिस तरह से एक तरफा वो संवाद करते उन्होंने अपनी बात कही, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कमतर ना आके, बिल्कुल सियासत में किसी को कमतर नहीं आना चाहिए, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि सहारनपुर के अलावा तो बीएसपी ने कहीं प्रत्याशी भी नहीं उतारा था, लेकिन सहारनपुर में भी वो नामांकन नहीं कर पाया प्रत्याशी। तो जिला एक बात बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो हालात है, आज बीजेपी तमाम आपराधिक के लोगों की एक सुरक्षित ठिकाना हो गया है। ये जिला पंचायत के चुनाव में आप देखेंगे तमाम जो अपराधी है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको बीजेपी ने भय और धन बल के आधार पर किया है। देखिए अगर आप हमसे तो सहारनपुर की बात पूछ रहे हैं, जी बैठी है खुद, इन्होंने 11 जिला जो इनके जिला अध्यक्ष है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर रही है। देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा रोहित जी कि ठीक है
हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हालात योगी जी की सरकार में हुए हैं, जो बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों के जो हालात पैदा हुए हैं, पिछले 6 महीने में कोरोना में इतने लोगों की जान गई है, ये एक सवाल कोई दोहराई नहीं। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक तंत्र के साथ, एक उसका आईटी सेल है, जानबूझ करके एक दल को ही कह रही है, ये बीजेपी चला रही है। सतीश जी, सतीश जी ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी, मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर जूही सिंह जी से भी हम सवाल लेंगे। एक सवाल आपने कहा कि जूही सिंह जी से भी पूछिए, ठीक है, बिल्कुल लोकतंत्र है, सब लोगों को अपनी बात रखनी भी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जूही सिंह जी की पार्टी इन विकट परिस्थितियों में भी 47 जगह पर आज भी इनके उम्मीदवार डटे हैं, खड़े हैं, लड़ रहे हैं सामने, क्योंकि चुनाव है, लोकतंत्र की ये बात है और जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं, नतीजा कोई भी हो। हमारा सवाल ये है कि बीएसपी ने कहा कि सब हम पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब आप तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे, सहारनपुर में आपने एक सीट पर नामांकन प्रत्याशी घोषित किया था, वो भी नामांकन नहीं कर पाया, तो वहां पर कार्रवाई कर दी गई। तो मेरा ये सवाल है कि शुरुआत से ही क्यों छोड़ दी गई चुनावी जंग, मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं देखिए रोहित जी, आप आरोप लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रहा हूं, मेरा सवाल है, ये आपके आरोप स्वीकार है। अगर आप मुझे एक मिनट का समय देंगे तो आप मुझे एक बात बताइए कि 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 100,000 बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2 अप्रैल में हिंसा के नाम पर बंद किया गया। जरा किसी राजनीतिक दल का नाम बताइए ना जिनके लोग जेलों के अंदर बंद है। हमारा जो कार्यकर्ता है वो रोज कमाने और रोज खाने वाला लोग है, जिनके जिनके बच्चे नहीं थे, रोज कमाते रोज खाते। हम नहीं चाहते कि बीजेपी जन आंदोलन को हिंसक रूप दे करके हमारे कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर बंद कर दे, क्योंकि वहां रोटी की संभावना नहीं है, राजनीतिक बात की चीज है। देखिए आप इस बात को मान लीजिए, देखिए घोषणा पत्र की बात है, जोई जी की पार्टी है, वो एक प्रवक्ता भी है, लेकिन एक बात मान लीजिए, हम घोषणा पत्र हमने आज तक जारी नहीं किया, हम कहने में विश्वास नहीं रखते, हम करने में विश्वास रखते हैं। हमने कहीं घोषणा पत्र में ये नहीं कहा कि हम 14 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से लेकर के 2012 के बीच में 14 मेडिकल कॉलेज बनाए, वही 14 मेडिकल कॉलेज थे जिनके अंदर कोरोना के जो पेशेंट थे उनका ट्रीटमेंट होता। आज हम एक बात कहते हैं और घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगे, आज ये कहते हैं कि जब हमारी सरकार 2022 में आएगी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे कोरोना हो, बुखार हो, कोई भी, ठीक है सतीश जी, आपको रोकूंगा जल्दी से क्योंकि वक्त कम है। सतीश जी आपकी पूरी बात हमने सुनी, मैं यहाँ जूही जी से एक रिएक्शन जरूर लेंगे क्योंकि फिर इस चर्चा को वाइंड अप करना। जूही जी क्या कहना है सतीश प्रकाश जी की बातों पर, आपका रिएक्शन? रोहित जी ये रिश्ता कुछ तो कहलाता है और कुछ तो ये नए अंदाज है बहन जी के, जो लड़ाई भी नहीं हो रही है, जिला पंचायत सदस्य जो एक डायरेक्ट चुनाव था उसमें आप लड़ रहे हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष में आप कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है कि भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हर चुनाव लड़ेगी, हर विकट परिस्थिति में चुनाव लड़ेगी और हमने अपने 11 जिला अध्यक्षों को पद मुक्त किया है क्योंकि हमें पता है कि ये संघर्ष कर रहा है और चुनौती बड़ी है और वो हमारी पार्टी के लोग हैं, ये हमारा इंटरनल मामला है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, कोई समझौता नहीं। लेकिन बहन जी तो कह रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की तरह होगी, तो कब वो अलग थी और कब हम अलग हो गए, तो बहुत सारी बातें हैं जी। बिल्कुल सतीश जी आप बोलिए, फाइनल कमेंट आपका। देखिए जोही जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो भी एक पार्टी की प्रवक्ता है और अपना पक्ष रखेंगे, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं, लेकिन अगर आरोप लगाने की बात है तो 2012 से 2017 की जो सरकार रही वो घोर दलित विरोधी रही। देखिए मैं इसको कहना नहीं चाहता था, हमारी सबकी लड़ाई कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन अगर कमियां गिनाने की बात आएगी तो 2012 से लेकर के 2017 के दौरान आपने 80,000 दलित कर्मचारियों को रिवर्ट किया, उनको रिवर्ट ही नहीं किया, उनको रिवर्ट भी आपने उसी, ठीक है सतीश जी, बाका तो उसमें आठ लोगों की मृत्यु हुई हार्ट अटैक से। तो ये चीजें हैं, देखिए आज भी हम एक बात कहते हैं कि ये कल की बातें हैं और राजनीति में हमेशा आगे की तरफ देखा जाता है। आज हम ये कहेंगे कि जो योगी जी की सरकार है, चाहे वो बीजेपी के जाल में मत फंसे, बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्रुवीकरण चाहती है, वो ऐसा नहीं चाहती। बिल्कुल सतीश जी मैं आपको रोकूंगा, ठीक है आप ये जरूर कह रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि बीजेपी से अगर लड़ना है तो बीजेपी से लड़ते हुए दिखना भी चाहिए, यही सवाल शायद जूही सिंह जी का है और यही
जिज्ञासा हमारे अंदर भी थी इसी सवाल को जानने की कोशिश। सतीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जूही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। भागीदारी संकल्प मोर्चे की, 10 दलों के इस मोर्चे के भीतर सीट बंटवारे को लेकर क्या चल रहा है, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई तरह की अटकलें लगाई गई, कई तरह की अफवाहें भी सरगर्म रही, लेकिन एबीपी गंगा कभी सुनी सुनाई बातें आप तक नहीं पहुंचाता। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के हर वोटर के लिए, यूपी के हर नागरिक के लिए बेहद अहम है, इसलिए जरूरी है कि चुनाव और सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हर खबर उन तक सही ढंग से पहुंचे। सच्ची खबरें पहुंचे, एबीपी गंगा ने ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाले इस मोर्चे के अंदर की कथित खींचतान की सच्चाई जानने के लिए सीधे उनसे संपर्क किया। हमने दो टूक पूछा कि आखिर मामला क्या है। एबीपी गंगा से बातचीत में आज सुबह में ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया कि सीट बंटवारे को लेकर उनके मोर्चे के भागीदार AIMIM से कोई मतभेद नहीं है। खुद राजभर को सुनिए। जो ये बयान चल रहा है ये गलत न्यूज है, और ना तो ओबीसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है, और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति यह है कि माननीय ओबीसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट में रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर खुद हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आपका स्वागत है बीपी गंगा में। जी ओम प्रकाश जी, आजकल आप खूब आप लगातार सुर्खियों में है आजकल, तो आजकल यानी आप जिसे कहते हैं दीवारों पर, अखबारों पर और जमीन पर तो आप हमेशा से संघर्ष करते रहे, लेकिन आजकल दीवारों, अखबारों और टेलीविजन पे भी खूब छाए हुए ओम प्रकाश राजभर। लेकिन बड़ा सवाल राजभर साहब ये है कि आज जो एक खबर बनती, हालांकि हमने जब आपसे बात की आपने साफ किया, तो ये साफ है कि AIMIM के साथ सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। देखिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी ने एक बयान दिया अखबार में कि हम 100 सीट की तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और हमारी पार्टी में हम आवेदन करा रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहे वो आवेदन करें। इस तरह का बयान उन्होंने जारी किया। अब इस बात को कैसे कि 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, ये बात लोगों ने प्रचारित शुरू कर दिया। आज जब आपसे सुबह बात हुई हमारी, उसके बाद मैं तुरंत ओबीसी जी से बात किया, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, मोर्चे के साथ हैं जी, और सीटों के संबंध में कोई बात ही नहीं हुई, मोर्चे की कोई बैठक नहीं हुई, तो फिर सीटों का सवाल कहाँ पैदा होता है। और मज़े की बात कि हम जो 10 दल के लोग हैं, 403 सीटें हैं यहाँ, हम लोग इकट्ठे हुए हक के लिए, अधिकार के लिए, हम लोग सीटों के झगड़ा करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं जी, हम लोग बैठ करके सीटों का मामला तय कर लेंगे, कोई विवाद नहीं है। जो ये समाचार सुबह से चल रहा है इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है ओम प्रकाश जी, अब ये बताइए, आज मायावती ने साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि हम किसी से गठबंधन नहीं करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का अभी तक स्टैंड है कि छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, यानी मायावती, आपने कहा था कि इस मोर्चे के साथ जो भी लोग जुड़ना चाहें या मोर्चा भी किसी से जुड़ सकता है, तो वो तो बंद हो गए। तो क्या अब ओम प्रकाश राजभर ने जो मोर्चा खड़ा किया है, जो सब 10 दलों को इकट्ठा किया है, क्या अब वो मोर्चे किसी और बड़े दल से गठबंधन की संभावना है, समाजवादी पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं? देखिए आपने सवाल किया बहुजन समाज पार्टी का जी, तो बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जो भी बयान आते हैं, आपने देखा कि पहली बार बीजेपी और बसपा का गठबंधन हुआ 6-6 महीने का, कि 6 महीने बसपा, 6 महीने सपा, और बसपा ने अपना 6 महीने कार्यकाल पूरा करके वादा नहीं निभाया जी। उसके बाद आ जाइए 2019 के लोकसभा चुनाव, लोकसभा के चुनाव में ये बात तय हुई सपा बसपा में कि हम लोग 2022 तक इसको गठबंधन को रखेंगे जी, और चुनाव बीतते ही गठबंधन टूट गया। तो हम कैसे मान लें,
हमने तो देखा है, कहावत है कि हाथी के दो दांत होते हैं, दिखाने के लिए खाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत जो है, उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में आप ये देख लीजिए कि चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सारे दल छोटी पार्टियों के भरोसे अपनी नैया पार करना चाहते हैं। ये बयान आए दिन सुर्खियों में रहता। अभी आपने भी जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी छोटे दलों से करना चाहती है। हमने बयान सुना कांग्रेस का भी, हमने सुना बसपा का, उनके भी नेताओं का भी सुना था जी। तो आज के तारीख में बड़े दलों से लोग समझौता क्यों नहीं करना चाहते हैं, इससे साफ जाहिर है कि बड़े दलों के पास वोट नहीं है। अब वोट अगर है तो छोटे दलों के पास वोट है। ये छोटे दल के लोग मिल करके एक मोर्चा हम लोग बना लिए हैं। अब इस मोर्चे के पास आज के तारीख में जो अति पिछड़ा वोट है, अति पिछड़ा वोट आज के तारीख में 43% है उत्तर प्रदेश में, और 22% मुसलमान है जी। तो ये धीरे धीरे अपने हक के लिए इकट्ठा हो रहा है। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा में हम लोग ये मन बनाए हैं कि उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल हम लोग 5 साल माफ करेंगे। सरकार बनती है भागीदारी संकल्प मोर्चा की, हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे 5 साल। हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। बिल्कुल, हम उत्तर प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। बिल्कुल राजभर साहब, लेकिन एक सवाल मुझे, मैं राजभर साहब यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से, कांग्रेस से, किसी से कोई गठबंधन होने का कोई विकल्प खुला है अभी या नहीं? क्योंकि बसपा ने तो खुद दरवाजे आज बंद कर दिए। बैंज ने कह दिया अकेले चुनाव लड़ेंगे अपने दम पर। आप देखते जाइए आगे आगे खेल क्या होता है जी। और सवाल आपने किया बीजेपी से, तो बीजेपी बीजेपी डूबती हुई नैया है। चलिए ठीक है, वो भी दरवाजा बंद समझिए। तब याद आते हैं ये पिछड़े दलित। अब बची सपा और कांग्रेस, क्या इनसे गठबंधन हो सकता है? और हमारे वो हमारे साथ आना चाहे तो उनका स्वागत है, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप उनके साथ नहीं जाएंगे? जब वो आएंगे तो साथ हो जाएंगे दोनों लोग ना। नहीं ओम प्रकाश भाई, देखिए आप राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, मैं भी समझ रहा हूं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आप भी समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं, कि आप उनके साथ जाएंगे या वो आपके साथ आएंगे, तो इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए हमारा मोर्चा, फिर मैं कह रहा हूं जिन मुद्दों को लेके हम लोग मोर्चा हमारा बना है, हमारे मोर्चे का दरवाजा खुला हुआ है, जो इसमें आना चाहे उसका स्वागत है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जी। तो एक आपसे एक आखिरी सवाल मैं करूंगा यहाँ पर राजभर जी। ओम प्रकाश जी देखिए, आज से अगर आपको लगातार हम देख रहे हैं, पिछले अगर मैं बताऊं तो 12-13 साल से, मैं खुद की अपनी बात कर रहा हूं जो हम देख रहे हैं, हालांकि आप 2-3 दशकों से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को और दूसरी जो ओबीसी जातियां हैं उनको एक मंच पर और उनके जो वोटिंग पैटर्न को है उनको बदलने की ताकत रखते हैं? आ गई है वो ताकत, उस तरह का मोर्चा बन गया है? और क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा? देखिए आपने देखा कि 14 साल भारतीय जनता पार्टी भटक रही थी नदी के किनारे की कोई नैया पार कर दे जी। 14 साल के बाद जब ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जी उनकी नैया पार करने के लिए तैयार हुए, तो उनकी नैया पार हुई और उत्तर प्रदेश में 17 में सरकार बनी जी। ये साफ जाहिर है कि हम लोगों ने अपना वोट उनको दिलवाया, अपने जो अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट है उसको हम लोगों ने दिलवाया, जिसके वजह से सरकार बनी। और मजे की बात आपने देखा होगा कि बीजेपी ने भी एक दाव चला कि पिछड़े का चेहरा, जैसे केशव मौर्य को आगे किया कि पिछड़े का मुख्यमंत्री बनाएंगे, इससे पिछड़ों में और एक खुशी की बात आई कि चलिए एक पिछड़े समाज का अगर सीएम बनेगा तो हमारी लड़ाई या हमको हक मिलेगा। तो पिछड़े समाज के लोगों ने केशव मौर्य के नाम पे झूम के वोट दिया, जिसके वजह से 17 में सरकार भी बन गई जी। अब जब सरकार बन गई तो उत्तराखंड से ला करके मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब पिछड़े समाज को ठेंगा दिखा दिया गया कि नहीं तेरा अब काम नहीं। देखिए ओम प्रकाश राजभर साहब, ठीक है ओम प्रकाश राजभर साहब, मैं यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा क्योंकि हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आपके भागीदारी संकल्प मोर्चे के अहम साथी
शौकत अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा उनसे आप राम सलाम करिए, फिर हम उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शौकत अली हमारे साथ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष है AIMIM के। शौकत अली साहब आपका स्वागत है ABP गंगा में। जी शुक्रिया। तो शौकत अली साहब देखिए, आप आज आप और ओम प्रकाश राजभर जी दो बड़े न्यूज मेकर हैं आज के। आपने एक बयान दिया और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बयान दिया, हालांकि उन्होंने साफ कहा कि हम साथ हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा साथ है और साथ मिलकर लड़ेंगे। ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये माना जाए कि अब इस चुनाव में जिन 100 सीटों की बात की थी, हालांकि सीट बंटवारे पर अभी आपने कहा कि अभी आगे बातचीत होगी, तो उस पर मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं, दर्शकों को जरूर बताएं कि क्या है आपकी अगली रणनीति। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी, मैंने ये कहा कि मैं 100 सीटों पर तैयारी कर रहा हूँ, बाकी आगे नेशनल प्रेसिडेंट या हम जिस मोर्चे के हिस्सा है, मोर्चे के जो संयोजक है हमारे राजभर जी, वो तय करेंगे, बैठेंगे, बात होगी, सीटों का बंटवारा होगा। फिलहाल हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने संगठन की जो मैं समीक्षा कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में, वो 100 सीटों पर मैं अपने संगठन को मजबूत बना रहा हूँ जी। और आखिरी फैसला दोनों पार्टी के नेता बैठ करके करेंगे, भागीदारी संकल्प मोर्चा तय कि कितनी सीटों पर हमें चुनाव, हमें जो सीट मिलेगी हम उस सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे बीच में इस चीज को लेकर के कोई झगड़ा नहीं है जी। बिल्कुल। तो ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे साथ मौजूद। ओम प्रकाश जी, शौकत अली साहब ने भी ये बात साफ की, तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी चुनावी दौर है और बड़े छोटे छोटे बयान बहुत मायने रखेंगे और विरोधी पार्टियां छोटे छोटे बयानों से कई फायदे उठा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 रुपए पर ट्वीट करते हैं, 2 रुपए का ट्वीट करते हैं, वो ऐसे लोग ठेकेदार बैठे हैं, वो कोई भी कुछ करें, लेकिन यहाँ हमारे मोर्चे के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है जी। हम लोग सब कुछ जान गए हैं, मोर्चे को बदनाम किया जाएगा, नेताओं को बदनाम किया जाएगा, इसी तरह की तमाम फर्जी खबरें चलाई जाएंगी, लेकिन मतदाता सब कुछ जान गया है। अब मतदाता भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है, हमारे नेता एकजुट हैं, हम लोग हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, भागीदारी के लिए इकट्ठा हुए हैं, इस नाते हमारे मोर्चे पर कोई असर कोई पड़ने वाला नहीं है किसी का। ठीक है, शौकत अली साहब, तो अभी आगे उत्तर प्रदेश में AIMIM किस तरह से आगे बढ़ेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग संगठन खड़ा कर लिया है या करेंगे, इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा और इसके बाद एक और अहम सवाल पूछूंगा आपसे। जी, कि मैं 2014 से उत्तर प्रदेश में पार्टी पे संगठन पे ही काम कर रहा हूँ। 2017 में हम इलेक्शन लड़े विधानसभा का 36 सीटों पर, हम संभल की सीट पर रनर रहे, बाकी 3 सीटों पर हमने थर्ड पोल किया था, 5 लाख के आसपास हमने वोट हासिल किया था उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के इलेक्शन में। हम मेहनत कर रहे हैं, उसके फौरन बाद जो निकाय चुनाव हुआ था, हम पूरे उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के अंदर हमने अपना मेयर लड़ाया था, जहां पर हमने सेकेंड पोल किया था, 57,000 वोट हमने हासिल किया था, 9 हमारे पार्षद जीत करके आए थे, पूरे यूपी में हमने 32 कारपोरेटर अपने जिताए थे। तो हम संगठन पे भी काम कर रहे हैं, इलेक्शन में भी हमें हर दिन कामयाबी मिल रही है और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया काम कर रहा है, 75 जिलों में हमारे जिले की बॉडी है, बाकी जिलों में हम रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं विधानसभा वाइज, मैं देख रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ और हमारा संगठन काफी मजबूत हो चुका है, जो भी कमियां है उसको हम लोग 1 महीने के अंदर पूरी कर लेंगे। ठीक है, ओम प्रकाश राजभर जी का आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि देखिए आप भागीदारी संकल्प मोर्चा के आप संयोजक हैं और आपने सबको बड़े संजो कर रखा है, तमाम गठबंधन दलों को, तो ये बताइए कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करेगा या बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए आप आने वाले दिनों में चुनावों में जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रिहर्सल किया है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 6-6 महीने का CM का समझौता किया, तो हम लोगों ने बैठ के एक दिन अध्ययन किया कि जब वो 6-6 महीने का कर सकते हैं
तो हम लोग एक एक साल का क्यों न कर लें। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री का पहले से अनाउंस करें या बाद में, चुनाव के बाद में? बिल्कुल नहीं, चुनाव के बाद। हमारा तय है कि राजभर होगा, कुशवाहा होगा, पटेल होगा, चौहान होगा, मुसलमान होगा, ये हमारे 5 CM होंगे जी। उसी के साथ हमारे 20 डिप्टी CM होंगे 5 साल में। तो शौकत अली भाई साहब ने तय कर लिया। नहीं, तो शौकत अली भाई क्या CM की तरफ देखेंगे आप, डिप्टी CM की तरफ देखेंगे? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको अगर CM बनाया जाए तो क्या आप नहीं बनेंगे? चलिए ओम प्रकाश जी, आप राजनीति में आपका जो ऑफर होता है बम्पर ऑफर होता है, क्योंकि 20 डिप्टी CM, 5 CM ऐसा ऑफर आपने हमने इससे पहले कहीं नहीं सुना। और चलिए आपने अभी फिर ऑफर दिया कि आप मुख्यमंत्री बने, तो आप मानेंगे या ना मानेंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भागीदारी संकल्प मोर्चे पर हमारी नजर बनी रहेगी और लगातार आप, क्योंकि आप एक नई तरह की सियासत की शुरुआत आपने उत्तर प्रदेश में की है। शौकत अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से। जो दोनों नेता हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है। नामांकन के दौरान भाजपा ने बढ़त जरूर बना ली, लेकिन असली खेल 3 जुलाई को होगा। 75 में से 18 जिलों की तस्वीर जरूर साफ हो गई है, लेकिन बाकी बची 57 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। खास बात यह है कि इन 57 सीटों में किसी के पास भी बहुमत नहीं। अमूमन हर जिले में निर्दलीय प्रत्याशी ही हार जीत तय करने वाले हैं, और इस जंग में एक बार फिर भाजपा और सपा ही आमने सामने दिख रहे हैं साफ तौर पर, यानी दोनों पार्टियों के बीच सीधी जंग होगी। अब एक एक कर आपको जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दिलचस्प मुकाबले की जमीनी तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले आप हाथरस की बात कर लेते हैं। हाथरस में कुल जो वार्ड है जिला पंचायत के वो 24 है, यानी 24 जिला पंचायत सदस्य जीते हैं जो हार जीत का फैसला करेंगे। भाजपा प्रत्याशी सीमा उपाध्याय यहां से हैं। बसपा से निलंबित विधायक रामवीर उपाध्याय की पत्नी है सीमा उपाध्याय के। नामांकन में 15 सदस्य मौजूद रहे, भाजपा के पास सिर्फ 5 सदस्य हैं। 10 निर्दलीय सदस्यों के पास जीत की चाबी है। सपा और रालोद मिलकर 7 सदस्य हैं, बसपा के पास 2 सदस्य हैं। अब बीएसपी के 2 सदस्य कहा जाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आजमगढ़ के गढ़ में इस बार सपा के सामने भी चुनौती होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले रामपुर की अगर बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड की अगर हम बात करें, तो कुल 34 सदस्य हैं रामपुर में, 34 वार्ड हैं जिला पंचायत के। समाजवादी प्रत्याशी हैं नसरीन जहां, 11 सदस्यों के साथ सपा के सामने जीत की चुनौती है। सपा की कांग्रेस से समर्थन की बात चल रही है, बसपा और कांग्रेस के पास 2-2 सदस्य हैं। भाजपा ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी को उतारा है, भाजपा के पास 7 सदस्य हैं, 12 निर्दलीय सदस्य जीत हार तय करेंगे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अमरजीत सिंह ने भी नामांकन किया है, लगातार 3री बार निर्दलीय जीते हैं अमरजीत सिंह। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला, आजम खान का गढ़ रामपुर, लेकिन इस बार बिना आजम खान के ये जंग यहां पर लड़ी जा रही है। बढ़ते आगे, सहारनपुर की बात कर लेते हैं। सहारनपुर में बसपा प्रत्याशी के मैदान छोड़ने के चलते भाजपा को जीत नजर आ रही है, लेकिन संयुक्त मोर्चा ने एक दूसरे सदस्य का नामांकन भरवा दिया। यहां क्या गणित है इसे भी समझिए। सहारनपुर की बात करें तो कुल सदस्य हैं 49, यानी 49 वोट हैं। बसपा के पास 17 और भाजपा के पास 14 सदस्य। बसपा ने शिमला देवी को प्रत्याशी बनाया था, शिमला देवी ने नामांकन ही नहीं भरा, संयुक्त मोर्चे ने जयवीर सिंह से नामांकन भरवाया। जयवीर सिंह भी बसपा के ही समर्थन से सदस्य बने हैं। कांग्रेस और सपा नेता उन्हें नामांकन भरवाने पहुंचे, कांग्रेस के पास 8 और सपा के पास 5 सदस्य हैं। 14 सदस्यों वाली भाजपा ने चौधरी मांगेराम को उतारा है, आजाद समाज पार्टी के 2, भाकियू का 1 और 1 निर्दलीय सदस्य है। ये है सहारनपुर का गणित। मथुरा की बात कर लेते हैं। मथुरा में बसपा सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन वो चुनाव से बाहर हो गई। अब उसके सदस्य तय करेंगे कि कौन अध्यक्ष होगा। मथुरा में कुल सदस्य हैं जिला पंचायत के 33, जीत के लिए 17 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। 13 सदस्यों वाली बसपा के सदस्य जीत तय करेंगे। भाजपा के पास सिर्फ 8 सदस्य यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प है। रालोद के 8 और सपा का 1 सदस्य है। 3 निर्दलीय सदस्यों की बड़ी भूमिका यहां पर रहने वाली है। अवध की बात कर लेते हैं तो अवध की सुल्तानपुर सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है, और खास बात यह है कि
जीत को लेकर तीनों ही सदस्य आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन क्यों आश्वस्त हैं अब ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी हाँ, सुल्तानपुर कुल सदस्य 45, सबसे ज्यादा 26 सदस्य है निर्दलीय, सपा के 7 सदस्य हैं, केशा देवी को प्रत्याशी बनाया है, भाजपा के 3 सदस्य हैं, उषा सिंह को प्रत्याशी भाजपा ने बनाया, बसपा के 5 और निषाद पार्टी के 4 और निर्दलीय सदस्य अर्चना सिंह ने भी नामांकन किया है। ये सुल्तानपुर की स्थिति है। रायबरेली की बात करें कांग्रेस के गढ़ की, रायबरेली में सपा और कांग्रेस की केमिस्ट्री नजर आ रही है। रायबरेली के कुल जो सदस्य है जिला पंचायत के वो 52 है और 15 सदस्य होने के बावजूद सपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा। 12 सदस्यों वाली कांग्रेस ने आरती सिंह को उतारा है। भाजपा के पास सिर्फ 8 सदस्य है। भाजपा ने रंजना चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। 17 निर्दलीय सदस्य जीत हार तय करने में अहम होंगे। ये गणित है रायबरेली का, किस तरह की स्थिति वहां पर है। आगे बढ़े और अमेठी की बात करें तो अमेठी में भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन इसका फैसला भी निर्दलीय ही करेंगे। कैसे, ये इस गणित पर नजर डालिए। कुल सदस्य 36 अमेठी में जिला पंचायत के, सपा के 9 सदस्य, 10 अतिरिक्त वोट चाहिए। भाजपा के पास 8 सदस्य है, 11 अतिरिक्त वोट चाहिए। 14 निर्दलीय सदस्य जीत हार तय करेंगे। बसपा के पास 3 और कांग्रेस के पास 1 सदस्य है। भाजपा के राजेश अग्रहरी, राजेश मसाला और सपा ने शीलम सिंह को यहां पर प्रत्याशी बनाया है। तो ये स्थिति है अमेठी की और अनुभव शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। अनुभव, हमने अभी अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है। अमेठी रायबरेली में मुकाबला दिलचस्प है, सुल्तानपुर में दिलचस्प है, तो किस तरह की स्थिति बन रही है अमेठी रायबरेली में? तो पैक्ट दिख रहा है सपा कांग्रेस में। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, अमेठी और रायबरेली की अगर बात करें, कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता, लेकिन लंबे समय से अमेठी और रायबरेली दोनों कांग्रेस के गढ़ रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम कहें रोहित जी, तो कहीं ना कहीं एक संकेत मिल रहा है, सियासी खिचड़ी पक रही है 2022 के चुनाव से पहले। इसलिए कि रायबरेली में पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उनके पूर्व विधायक हैं रामलाल अकेला, उनके बेटे को कहा गया था विक्रांत को कि आप चुनाव लड़िए, आप लड़ेंगे, वो सदस्य बने और उनको अध्यक्ष के लिए घोषित भी कर दिया था, नामांकन का पत्र भी उन्होंने खरीद लिया था। पर ऐन मौके पर जिस दिन नामांकन था 26 तारीख को, उस दिन उनको पार्टी की तरफ से फोन जाता है, प्रदेश अध्यक्ष फोन करते हैं कि आप नामांकन नहीं भरेंगे, आपको पर्चा नहीं भरना है। और वहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में केवल कांग्रेस ने एक जगह पर नामांकन पत्र दाखिल किया और वो केवल रायबरेली है। तो शायद कहीं ना कहीं कोई बात हुई है कांग्रेस के जो सीनियर लीडरशिप है उससे अखिलेश यादव के बीच, और यही वजह है कि वहाँ पर रायबरेली में अब समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारी है, उसने उस नामांकन भी नहीं किया है। और अमेठी में उसका उसके बदले में, क्योंकि वहाँ पर राकेश प्रताप सिंह जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनकी पत्नी शीलम सिंह चुनाव लड़ रही हैं, तो उनको ज़रूर कांग्रेस के वहाँ पर 3 सदस्य जीते हैं जिला पंचायत वार्ड के, वो उनको वहाँ सपोर्ट करेंगे। रायबरेली में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करे, क्योंकि रायबरेली में 10 सदस्य हैं कांग्रेस के, और ऐसे में शायद बीजेपी को हराने के लिए रायबरेली में हमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ दिख रहे हैं, और अमेठी में भी बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ दिख रहे हैं। तो ये एक क्या नई सियासी कोई खिचड़ी पकेगी 2022 के चुनाव से पहले? बिल्कुल अनुभव, आप बने रहिए, एक छोटा सा सवाल आपसे और लेंगे। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिए। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में भाजपा खुद को लड़ाई में बता रही है, लेकिन अरुण सिंह ने निर्दलीय नामांकन भरकर खेल को और रोचक बना दिया है। देखिए उन्नाव के खेल को समझिए, बेहद रोचक खेल उन्नाव का। कुल सदस्य 51, सबसे ज्यादा सपा के 19 सदस्य हैं, भाजपा के 8 सदस्य हैं। शकुन सिंह उम्मीदवार हैं भाजपा की। भाजपा ने पहले अरुण सिंह को प्रत्याशी बनाया था, विवाद होने पर अरुण सिंह का टिकट छीना था। अरुण सिंह ने निर्दलीय नामांकन भरा। 21 निर्दलीय सदस्यों के पास जीत की चाबी है। बसपा के भी 3 सदस्य हैं। ये गणित है उन्नाव का। लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में भाजपा के पास सिर्फ 3 सदस्य हैं, लेकिन यहां भी वो अध्यक्ष पद पर अपना दावा ठोक रही है। समीकरण समझिए, कुल 25 सदस्य लखनऊ में, सपा के पास 9 सदस्य, 4 अतिरिक्त चाहिए। भाजपा के पास 3 सदस्य, 10 अतिरिक्त चाहिए। बसपा के पास 5 सदस्य लखनऊ में जीते हैं। भाजपा को बसपा और निर्दलीयों का साथ चाहिए। भाजपा से आरती रावत और सपा से विजय लक्ष्मी उम्मीदवार है।
जौनपुर भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। जौनपुर में मुकाबला इस वजह से रोचक है क्योंकि यहां पर चार महिलाएं मैदान में हैं। जौनपुर की अगर बात करें कुल सदस्य 83, सपा ने निशी यादव को मैदान में उतारा है, अपना दल एस की रीता पटेल, बीजेपी ने यह सीट अपना दल के लिए छोड़ी है। भाजपा की सदस्य नीलम सिंह ने भी बागी होकर नामांकन किया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी भी मैदान में है। भाजपा और बसपा के पास 10-10 सदस्य, अपना दल एस के पास 7 सदस्य, किसी के पास भी बहुमत नहीं है। आजमगढ़ की बात करना बहुत जरूरी है। पूर्वांचल के प्रतापगढ़ में की अगर हम बात करें आजमगढ़ से पहले, तो यहां पर भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है राजा भैया की वजह से। प्रतापगढ़ के कुल सदस्य 57, सपा भाजपा के अलावा राजा भैया की पार्टी मैदान में है। राजा भैया की पार्टी से माधुरी पटेल उम्मीदवार हैं। भाजपा की तरफ से क्षमा सिंह मैदान में है। सपा ने अमरावती को मैदान में उतारा है। सपा के पास 17, राजा भैया के पास 12 सदस्य है, भाजपा के पास 7, कांग्रेस के पास 5 और 14 निर्दलीय सदस्य हार जीत तय करेंगे। कई सदस्यों के फोन भी बंद आ रहे हैं। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के अनुभव से। संक्षेप में एक सवाल हम यहाँ पर जरूर लेंगे, अनुभव, लखनऊ में भी मुकाबला दिलचस्प है और जौनपुर में भी मुकाबला दिलचस्प है। संक्षेप में मैं चाहूंगा आप जरूर दर्शकों को बताएं। देखिए बिल्कुल, अवध की अगर बात करें तो लखनऊ में तो मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी के पास 3 सदस्य हैं, जीतने के लिए 13 सदस्य चाहिए। सपा के पास 10 सदस्य हैं, उनको केवल 3 चाहिए, बीजेपी को 10 चाहिए। लेकिन प्रतापगढ़ और उन्नाव ऐसी जगहें हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से एक तो उनका जो घोषित कैंडिडेट है उसने किया है, एक बागी उम्मीदवार ने किया है। और अब ये देखना होगा कि 29 तारीख को यानी कल क्या नामांकन वापस होता है। जैसे उन्नाव में अरुण सिंह बागी हो गया और वो खुद जाकर नामांकन कर दिया, जबकि वहां पर शकुन सिंह को पार्टी ने अधिकृत तौर से अपना कैंडिडेट बनाया। प्रतापगढ़ में यही स्थिति है, वहां पर बीजेपी की ओर से दो दो उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया। आज प्रतापगढ़ से आने वाले जो कैबिनेट मंत्री, उनसे हमने पूछा कि कल क्या नामांकन के दिन कोई नामांकन वापस होगा, उन्होंने कहा अभी समय है, आगे देखते रहिए, शायद पार्टी आला कमान से मैसेज गया है ऐसा ना करें वरना पार्टी कार्रवाई करेगी और हो सकता है कि बागी जो उम्मीदवार है वो अपना पर्चा जो है वो वापस ले लें। कल 3 बजे तक नाम वापसी का समय है और ऐसे में अगर पर्चा वापस लेते हो तो ठीक है, वरना बीजेपी के लिए एक असहज स्थिति हो जाएगी। अगर जिला पंचायत में वो नहीं रोक पा रहे, अरुण सिंह उन्नाव में खड़े हो गए शकुन सिंह के खिलाफ, तो क्या 2022 का जब विधानसभा चुनाव होगा कहीं ऐसी स्थिति ना बने। इसीलिए पार्टी ने अपनी तरफ से जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने ऐसे नेताओं को चेतावनी भी जारी की है। तो बिल्कुल अनुभव, ये स्थिति है अनुभव। इसके अलावा अगर हम जौनपुर की बात करें तो वहां पर भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है क्योंकि धनंजय सिंह की पत्नी भी चुनावी मैदान में है, बीजेपी ने सीट अपना दल के लिए छोड़ दी है। देखिए बिल्कुल देखिए, अपना दल जब सीट मांग रही थी तो बीजेपी ने कहा कि ठीक है इनको जौनपुर वो दे दिया है और इसलिए दिया है कि धनंजय सिंह वहां पर मजबूत, उनकी जो पत्नी है वो मजबूत दावेदार मानी जा रही है। आप सभी देखिए रोहित जी, ये तो जो चुनाव है सब जानते हैं धन बल का चुनाव है, जिसके पास ज़्यादा मसल पावर है, मनी पावर है, वही इन चुनावों को जीतता है। सत्ता का इस्तेमाल भी इन चुनाव में होता है, बिल्कुल अनुभव लग भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगा भी रही है और इसीलिए जब बारी आई। जी बिल्कुल अनुभव, मैं माफी चाहूंगा आपको, बीच में रोक रहा हूँ, वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपने जौनपुर का समीकरण भी समझाया कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। तो कुल मिलाकर आज बात तो चुभेगी, में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।